Good morning students. Welcome to class 6th. This is your English literature class. Today I'll proceed explanation of the same lesson which we were studying. This is lesson number one. Name of the lesson is Traveling with Grandfather Zoo. Open page number twelve. Today we'll proceed explanation. From the paragraph, it's written, No sooner had the train. Keep your pencil with you and look at the video. So today we'll begin our explanation from this line No sooner. You will get this paragraph on page number 12. Now read, No sooner had the train started moving. Then chips my squirrel emerged from my pocket to examine his surroundings. Before I could stop him, he was out of the compartment door scurrying along the corridor. So here we see that uh, it's written no sooner had the train started moving than Jesse trained Chlna Shuruhhe chips who was chips Chips was name of a squirrel. Squirrel? Narrators. So, narrator की जो squirrel थी, गिलहरी थी चिप्स जिसका नाम था डाट स्कल इमर्ज फ्राम पॉकेट इमर्ज मीन टू कम आउट स्कल केम आउट फ्राम द पॉकेट ऑफ नरेटर टू एग्जाम हिज सराउंड इट मीन्स उस ट्रेन के अंदर वो गिलहरी जो थी स्क्रल वो नरेटर के पॉकेट से बाहर निकलती है बाहर और ट्रेन का नज़ारा देखने के लिए लोगों को देखने के लिए सराउंडिंग्स को देखने के लिए, देखने के लिए. बिफोर आई कुड स्टॉप हिम ही वॉज आउट ऑफ द कंपार्टमेंट इससे पहले कि नरेटर उस गिलैरी को ट्रेन में इधर उधर घूमने से रोक पाता जैसे आपको मालूम है स्क्वरल जो होती बहुत तेज उछलती हैं चलती हैं वो भाग जाती हैं ट्रेन के कंपार्टमेंट में स्टरिंग अलॉन्ग द कॉरिडोर स्टरिंग मीन्स टू रन क्विकली विथ शॉर्ट स्टेप्स इट मीन्स डैट स्क्वेरल वॉज वेरी शार्प एंड क्विक सो so, स्क्रल बहुत तेज़ी से पूरे ट्रेन की कंपार्टमेंट में दौड़ने लगती है घूमने लगती है एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉरिडोर कॉरिडोर मींस नारो पैसेज ट्रेन में जो थोड़ी सी जगह होती है जो चलने के लिए वहाँ पर वो गिलहरी घूमने लगती है भागने लगती है चिप्स डिस्टवर्ड दैट द ट्रेन वॉज अ स्क्वेर पैराडाइज तो जब वो गिलहरी ट्रेन में घूम रही होती है वन शी वॉज मूविंग सो वॉट शी सॉ स्क्रल ये देखती है कि ये ट्रेन जो है वो स्क्वेर के लिए एक जन्नत की तरह पैराडाइज मीन्स वॉट अ प्लीजेंट प्लेस बहुत खुशी वाली जगह जॉय वाली वाई क्यों इसमें लिखा है कि डैट डेट ट्रेन कंपार्टमेंट वॉज लाइक अ पैराडाइज फॉर स्कूरल बिकॉज ऑलमोस्ट ऑल द पैसेंजर्स हैविंग ब्रॉट लार्ज क्वान्टिटीज ऑफ रोस्टेड पीनट्स बिफोर द ट्रेन पुल्ड आउट जैसे कि आपने एक चीज़ ऑब्जर्व करी होगी कई बार जब ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो हम मूंगफली बहुत खरीद लेते हैं पीनट्स बहुत खरीद लेते हैं ट्रेन में टाइम पास के लिए खाने के लिए इन द सेम वे एट डार्क टाइम आल्सो पीपल हैव ब्रॉड लॉट ऑफ रोस्टेड पीनट्स लोग ढेर सारी मूंगफली लेकर आए थे एंड यू नो डेट्स टेरल लाइक्स टू ईट पीनट्स

कि वो गिलहरी क्योंकि वह क्यूट होती है थोड़ी लवली सी होती है सो बिकॉज ऑफ़ डाट लोग उससे फ्रेंडशिप कर लेते हैं वहाँ पे जितने भी ट्रेन में बच्चे थे बूढ़े थे जवान थे सब लोग उस स्क्रल से दोस्ती कर लेते हैं और उसे बहुत सारी मूंगफली खाने को देते हैं और करीब एक घंटे के बाद वो uh, स्क्रल यानी कि चिप्स वापस अपने कंपार्टमेंट में नरेटर के पास जब आती है तो नरेटर देखता है डाट डाट uh, इज स्क्रल हुज नेम इज वॉट चिप्स तो नाव चिप्स इसमें लिखा है कि अब चिप्स का जो टमी है टमी मतलब पेट है स्टमक है वो बिल्कुल फटने पर आ गया जब हम बहुत ज़्यादा कुछ खा लेते हैं जब हमें कुछ बहुत पसंद आती है बहुत बहुत खाते हैं तो क्या होता है हमारा पेट निकल जाता है लगता है वो हमारा पेट फट जाएगा वो मेरा पेट फट जाएगा वी लाइक वी यूज टू से लाइक दिस ना इन द सेम मैनर डैट स्क्वेरल इज ऑल्सो फीलिंग द सेम राइट नाउ वाई बिकॉज शी एट लॉट ऑफ Roasted peanuts. Now, uh, let's move to the next paragraph. Now, here you can see this is your next paragraph. I think I'll go to sleep, said grandmother, covering herself with a blanket um, and stretching out on the berth opposite Timothy's. It's been a tiring day. सो नाउ इट्स रिच नाउ ग्रैंड मदर सेज अब दादी माँ कहती हैं कि आई थिंक आई गो टू स्लीप दादी माँ कहती हैं कि मुझे अब नींद आ रही है मैं सोने जा रही हूँ और वो अपने ऊपर एक ब्लैंकेट एक पतला सा चादर आप कह सकते हैं या ब्लैंकेट आप समझते हैं एक छोटी रज़ाई कह सकते हैं छोटी सी रज़ाई या चादर डाल के अपने मुँह पे अपने बॉडी पे और वो सो जाती हैं लिखा एंड स्ट्रेचिंग आउट ऑन द बर्थ अपोजिट अपना पैर दूसरे बर्थ पे दूसरी सीट पे फैलाकर दादी माँ चादर ओढ़ के सो जाती हैं इट्स बीन अ इट्सिंग डे टिमोथी जिस बर्थ पे जिस सीट पे बैठा हुआ था टिमोथी 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 इज द नेम ऑफ अ टाइगर तो जिस बर्थ पे टाइगर तिमोथी बैठा हुआ था उसके उसी बर्थ पे वो अपना पैर फैलाती हैं और चादर ओढ़ के सो जाती हैं और कहने लगती हैं इट्स बीन टायरिंग डे मीन्स ये बहुत थका देने वाला दिन था बिकॉज समटाइम इट है विजिट समर और वैन वी आर इन ट्रेन सो वी फील टायर बहुत से लोग थक जाते हैं आर एंची थिंग आज ग्रैंड फादर तो ग्रैंड फादर जो थे वो दादी से पूछते हैं दादी माँ से डैट आर एंची थिंग क्या तुम कुछ उठाओगी नहीं सो so, दादी माँ क्या रिप्लाई करती हैं आई एम नॉट हंग्री मैं भूखी नहीं हूँ सम सूप बिफोर वी लेफ्ट सो डर सेड डाट शी हैड सम सूप बिफोर वी बिफोर दे बिफोर शी लेफ्ट इसका मतलब कि घर से निकलने से पहले वो थोड़ा सा सूप पी कर आई थी सो अब उन्हें भूख नहीं लगी है यू टू हेल्प योर सेल्स फ्रॉम द टिफिन बास्केट दादी माँ कहती है कि हम खाने के लिए कुछ सामान लेकर आए हुए हैं जो बास्केट में आप आप लोग खा लीजिए अगर आपको भूख लगी है तो

सो so, आपको मालूम है इन ट्रेन में बहुत शोर होता है सो दे आर नॉट एबल टू स्लीप प्रॉपरली सो डैट सॉल्व फॉर टूडे इन नेक्स्ट लास्ट वी विल प्रोसीड दिस एक्सप्लेनेशन थैंक यू